पण बघितलं, एकीकडे शिवसेनेच्या बैठकीला देखील काही वेळात सुरुवात होईल, एकीकडे भाजपची देखील बैठक सुरू आहे. आणि त्या बघूयात काँग्रेसमध्ये काय चाललंय. आपल्याला माहिती आहे, फूट टाळण्यासाठी राज्यातले काँग्रेस आमदार जयपूरला गेलेत. 44 आमदारांचा जयपूरमध्ये मुक्काम आहे, तिथे बैठकांचं सत्र सुरू आहे. महाराष्ट्र काँग्रेस प्रभारी मल्लिकार्जुन खरगे, प्रदेशाध्यक्ष बाळासाहेब थोरात, राजस्थानचे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यांनी आमदारांशी चर्चा केली आहे. बैठका आजही सुरू होणार आहेत आणि आमच्या मित्रांना भेटायला आपण जयपूरला आलो होत, अशी प्रतिक्रिया खरगे यांनी दिली आहे. यावेळी अशोक गहलोत आणि मल्लिकार्जुन खरगेंमध्ये चर्चा झाल्याचं कळतंय. आज दिवसभरात काँग्रेसच्या गटनेत्याची निवड होईल अशी देखील माहिती कळते. हमारे थोरात साहब को मालूम है, मैं बुला नहीं सकता ना, मैं सीएलपी लीडर नहीं हूँ या दूसरा ऐसा कुछ नहीं है. सिर्फ हम यहाँ पर आए हैं लिमिटेड पर्पस के लिए, उतना ही मैं कहूँगा. उनके साथ बात करते हैं ना, हम अभी आए तो बैठेंगे उनके साथ. कोई रणनीति अभी तो कुछ रणनीति नहीं है. विधायकों से मिलेंगे, अभी मिलना है उनको. टोटल कितने विधायक और मालूम नहीं, मुझे देखना है सब. कांग्रेस की रणनीति क्या रहेगी, ये हाईकमान निर्णय लेने वाली है हमारा जी. जी, और हम लोग तो सब लोग ऐसे, आज बहुत सुहाना मौसम है, घूमने आए हैं, जरा इलेक्शन के बाद ही छुट्टियां मनाने आए. पूरे देश की निगाह यह संकट पे है और आप थोड़ा 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 रुकिए, आप आपको पता चल जाएगा. थोड़ा विधायक की मीटिंग कब होगी, नहीं अभी नहीं बता. आणि या संदर्भात आपण अधिक बोलणार आहोत. आमचे प्रतिनिधी भवानी सिंग आता आपल्या सोबत आहे. भवानी जी, जैसे आपने थोड़े देर पहले कहा था कि विधायक दल का नेता आज उसका चयन हो जाएगा, क्या उसका कुछ अनुमान निकाला या अनुमान कुछ जताया जा रहा है? देखिए, अब अभी इस वक्त विधायक दल की मीटिंग चल रही है, हो सकता हो कि इसी बैठक के अंदर नेता का चुनाव कर लिया जाए. अशोक चौहान मौजूद है मीटिंग के अंदर, पृथ्वीराज चौहान भी मौजूद है, बाला साहब है महाराष्ट्र कांग्रेस के, वो भी मौजूद है, वो चल रही है. इसके अलावा जो दूसरी बात चर्चा इस वक्त हो रही है, वो इस बात को लेकर भी हो रही है, समर्थन को लेकर, कि फाइनली कॉल लेना है कांग्रेस को कि किसके साथ जाएगी. एक जो सोर्सेज से इन्फॉर्मेशन आ रही है, अखिलेश दया समर्थन को लेकर, तो डिसाइड करेगी कि क्या शिवसेना को बाहर से समर्थन दिया जा सकता, नहीं दिया जा सकता, उसको लेकर भी एक मंथन अंदर चल रहा है. फाइनल डिसीजन अभी नहीं हुआ है, लेकिन तमाम ये सब चीजें हैं, इन पर पॉलिटिकल डिस्कशन चल रहा है. कांग्रेस के नेता मौजूद है. इसके अलावा राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी अविनाश पांडे, जो इन विधायकों की सब देखरेख कर रहे हैं, यहाँ पर कोऑर्डिनेशन के लिए हैं, वो यहाँ पर है. और इसके बाद में एक पॉलिटिकल डिसीजन हो सकता हो आज, आज इस बात की संभावना ज्यादा है कि क्या वो शिवसेना को बात समर्थन करेंगे या नहीं करेंगे, या फिर बिल्कुल अलग रहेंगे. इन तमाम पर चर्चा, इसके बाद वैसे भी चर्चा खत्म हो जाएगी, उसके बाद में अजमेर और पुष्कर भ्रमण के लिए, घूमने के लिए विधायक जाएंगे. बार लग गई है इस वक्त, और जब मीटिंग खत्म हो जाएगी उसके बाद में जाएंगे राजस्थान कांग्रेस लेकर जाएंगे और जी. जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया भवानी सिंह. जसं आपल्याला सांगतायत की इकडे एक बैठक तर सुरू आहेच आणि कदाचित आज गटनेत्याची निवड होऊ शकते, पण त्याचबरोबर शिवसेनेला पाठिंबा किंवा त्या शक्यतांचा देखील आता विचार केला जातोय. आणि जसं त्याने आपल्याला सांगितलं की पृथ्वीराज चव्हाण हे कालच पोहोचलेले आहेत, अशोक चव्हाण देखील तिथे पोहोचलेले आहेत आणि आता काही वेळातच आजूबाजूच्या परिसरात फिरण्यासाठी हे सगळे आमदार जाणार आहेत. पोलिसांचा कडक पहारा तिथे देखील आहे आणि तिथल्या देखील महत्त्वाच्या घडामोडींचे अपडेट्स आम्ही तुमच्यापर्यंत पोहोचवत राहतोय. एका ब्रेकनंतर इतरही बातम्यांचं पुन्हा भेटणार आहोत. पहा फक्त न्यूज 18 लोकमत.